टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप सब कैसे हैं? तो गाइस, मॉर्निंग के बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं और हमने एक बार इनको ब्रेकफास्ट दे के अगेन मैं बिस्तर पे आके सो गई थी। सो मैं अब भी उठ रही हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, ये ऑफिस आ चुके हैं और हमने अभी तक शावर नहीं लिया है। आज मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, तो चलती हूँ मैं शावर लेने के बाद। आप सबसे मिलती तो अब भी मैं जा रही हूँ शावर लेने, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सो गाइस, अभी हमने जस्ट अभी शावर लिया है और हमने अपने हेयर वॉश किए हैं, आपको देख के लग रहा होगा। और यहाँ हमने रेड कलर की एक प्रिटी सी कुर्ती डाल के रखी है। सो आज मैं आपको अपने वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप न्यू मैरिड हैं तो आप अपने ससुराल में कैसे मेकअप करें। कुछ मेकअप के टिप्स अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपने ससुराल के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिन में कैसे मेकअप करें। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप कोई सा भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले सकते हैं। यहाँ पे हमने हिमालया का लिया है, मेरी ड्राई स्किन है थोड़ी सी, तो यहाँ पर मैं इसको अप्लाई करूँगी। मेकअप करने से पहले आप सबसे पहले सनस्क्रीन लगाइए। अगर आप गर्मियों में मेकअप कर रहे हैं तो आप ज़रूर अपने स्किन पे सनस्क्रीन अप्लाई करें। ड्राई स्किन है तो मेकअप करने से पहले आप सबसे पहले यही अप्लाई करें। सो गाइस, इसके बाद मेरे पास यहाँ पे फेस प्राइमर है, मार्लियो का, बहुत बेस्ट है ये। मैं काफ़ी 3-4 बार परचेस कर चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बाद आप प्राइमर अगर आपके पास हो तो, अगर आप न्यू मैरिड है तो आप ज़रूर अप्लाई करिए, इससे ज़्यादा टाइम तक मेकअप आपका चलता है। सो यहाँ पर हमने अपने फेस पर प्राइमर अप्लाई कर लिया है। सो गाइस, अगर आप प्राइमर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके तुरंत बाद आपको फाउंडेशन या बेबी क्रीम या सीसी क्रीम कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। देन 2-3-4 मिनट का ब्रेक देना है आपके फेस को। तो यहाँ आप देख सकते हैं मालियो का फेस प्राइमर है। अगर आपको प्राइस चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। देन इसके बाद मेरे पास लैक्मे का फेस सीरम है, प्राइमर के बाद मैं फेस सीरम अप्लाई करूँगी। आपको इसको अप्लाई करने के बाद 2-3 मिनट का ब्रेक देना है अपने चेहरे पे, नहीं तो आप जब भी फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करोगे तो अजीब सा फट फट जाते हैं मेकअप, तो आपको ज़रूर ब्रेक देना है यहाँ पे। सो गाइस, अब आता है, ये हमारे पास फाउंडेशन है लम्मी लैक्मे का है और यहाँ पे मेरे पास सीसी क्रीम है। तो आपको कोई एक सा सेलेक्ट करना है, या तो आप सीसी क्रीम लगाओ या तो आप ये फाउंडेशन लगाओ, तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, दोनों क्रीम बहुत बेस्ट होती है। सो यहाँ पे मैं ये फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ, लम्मे का लैक्मे मिलाओ, ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम सारे इसी के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं। तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मेरी 9-5 है तो यहाँ मैंने 9-5 लिया है लैक्मे का।
सो गाइस यहाँ पे मैं डीप डीप करके यूज करने वाली हूँ। मैं आपको हमारे चैनल पे डेली मेकअप रूटीन भी मिल जाएगा, आप वहाँ मेरे चैनल में चेकआउट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं कि वो फाउंडेशन लेके अपने हाथ से ऐसे मैट करने लगते हैं, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको कुछ ब्रश लेना है, मेरे पास तो ये है, तो आपको डीप 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 करके ऐसे फाउंडेशन मिक्स करना है अपने चेहरे पे। आपको हमेशा डीप डीप करके ही रगड़ना नहीं है ऐसे ऐसे फेस को, आपको ऐसे डीप डीप करके ही अप्लाई करना है अपने चेहरे में। देन आपको 5 मिनट तक फिर वेट करना है, फिर इसके बाद आपको कॉम्पैक्ट जो यूज़ करना है। हाँ, मैं लैक्मी का, मैं सारे प्रोडक्ट लैक्मी का यूज़ करती हूँ क्योंकि उसी का प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता है। सो यहाँ पे मेरे पास कॉम्पैक्ट है, मैं थोड़ा सा इसे अप्लाई करूँगी। आपको अपने नेक पे भी कॉम्पैक्ट यूज़ करना है, नहीं तो ये डिफरेंट सा दिखेगा और बहुत गंदा लगता है। ऐसे यहाँ पे मेरे पास आई शेडो है, सो मैं अभी इसको अप्लाई करूँगी। अगर आपकी इच्छा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, पर इसको अप्लाई करने से थोड़ा अलग ही लुक आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो मैं इसमें अपने कुर्ती के मैचअप में ये अप्लाई करने वाली हूँ। मुझे ब्रश से अप्लाई करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं हाथ से ही करती हूँ। उसके बाद अपनी आईब्रोज सेट कर लो, मैं इसी से सेट करती हूँ, उससे वो उससे आता ही नहीं है। सो मैं यहाँ पे अपनी आईब्रोज थोड़ी थोड़ी ऐसे। यहाँ पे मेरे पास लैक्मी का काजल है, मैं सारा चीज़ लैक्मी का ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। सो यहाँ पे मैं काजल अप्लाई कर लूँगी, अगर आपको पसंद हो तो आप काजल अप्लाई कर सकते हो। एक्चुअली मेरी हैबिट है काजल लगाने की, तो मैं कैसे भी लगा सकती हूँ। मैं आईलाइनर यूज़ करूँगी, मुझे वो पेन स्टिक वाला आईलाइनर यूज़ करना नहीं आता, सो मैं इसको करूँगी। आईज आई लाइनर यूज़ करने के बाद आपकी आईज़ ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाती हैं, तो अगर आप न्यू मैरिड हैं तो आप ज़रूर आई लाइनर यूज़ करिए, आपकी आईज़ अट्रैक्टिव दिखेगी। सो देन इसके बाद आती है ये लिपस्टिक, ये मैं यूज़ करने वाली हूँ, ये मेरी फेवरेट है रेड कलर। सो गाइस अगर आप डे में मेकअप कर रहे हैं तो आप अपने चेहरे पे ज़्यादा हाइलाइटिंग वगैरह मत यूज़ करिए, क्योंकि वो दिन में बहुत ज़्यादा ख़राब दिखता है। तो
बिल्कुल ज़्यादा हाईलाइट यूज़ मत करिए, कम ही हाईलाइटर लगाइए। तो यहाँ पे मेरा फाइनल लुक देख सकते हैं। अगर आप न्यू मैरिड है और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बार बार लोगों का आना जाना बना रहता है, तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा मेकअप ना ख़राब हो, तो आप याद से ये मेकअप फिक्सर ज़रूर यूज करिए, ताकि आपका मेकअप 10 से 12 घंटे आराम से चल सके। और तो यहाँ पे आप ऐसे अपने आईज क्लोज करके आप ज़रूर यूज़ करिए। तो यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया है। तो गाइस आप हमारा फाइनल लुक देख सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैं ये झुमके पहनने वाली हूँ, क्योंकि ये हमारे कुर्ती का मैचअप है। तो अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप कॉम की मदद से आप अपने बालों को सेट कर लीजिए, जैसे आप बाल हेयर स्टाइल अपना बनाना चाहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, तो सो मैं ऐसे ही यूज़ करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग आप अपनी हेयर स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, आपको कैसा है। वैसे अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप जूड़ा ही अप्लाई करना, उससे थोड़ी आपकी हाइट भी दिखेगी, और अगर आप सर में पल्लू रख रहे हैं तो अच्छा भी लगेगा आपको। सो गाइस ये है हमारा फाइनल लुक।